हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। इंटरव्यू विद न्यू क्रिएटर्स के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं राजेश जी। और राजेश जी कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका चैनल किस कैटेगरी का है, वो सब कुछ उन्हीं से जानते हैं। तो राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू सेशन में। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका चैनल किस कैटेगरी का है, वो सब कुछ ज़रा हमारे ऑडियंस को बताइए। अपना थोड़ा सा इंट्रो देकर के ये सब कुछ हमें बताइए। नमस्कार सर, निशान सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने चैनल पे मुझे आने का मौका दिया। सर, मैं बिहार के कैमूर ज़िले से बिलोंग करता हूँ सर, और मैं कैमूर ज़िले में हाई स्कूल में एक शिक्षक हूँ और साइंस टीचर हूँ। और साइंस का वीडियो बनाने के लिए मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल स्टार्ट किया था, और ये चैनल जो है 2018 में मैंने स्टार्ट किया, और तभी से अभी तक विज्ञान का वीडियो अपलोड करता रहा हूँ। और हिंदी मीडियम में और CBSE मीडियम में भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, बच्चों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने की कोशिश की है अपने माध्यम से। तो सर, आपका जो चैनल है, आपके चैनल का नाम क्या हुआ और अभी क्या करंट सिचुएशन है आपके चैनल की, जरा वो भी बताइए। सर, मेरे चैनल का नाम है साइंसिया क्लासेस, और अच्छा, ये मेरा कैटेगरी तो एजुकेशन है। और अभी चैनल पे प्रेजेंट में जो सब्सक्राइबर हैं सर, 1000 से ऊपर हैं, आई थिंक लगभग 1300 के आसपास हैं। अच्छा सर, अच्छा, चलिए अच्छी बात है। और वॉच टाइम कितना कंप्लीट हुआ है अभी तक? वॉच टाइम तो सर अभी मेरा लगभग 3000 आवर हो चुका है। ओह, चलिए, तो अब बहुत अच्छी बात है, आप मतलब नज़दीक ही पहुंच चुके हैं कि थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो आपके चैनल का मोनेटाइजेशन भी ऑन हो जाएगा। तो राजेश जी, हमें ये बताइए कि आप जो वीडियोज अपलोड करते हैं अपने चैनल पर, तो वीडियोज जो मेकिंग करते हैं, वीडियोज जो बनाना होता है, तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं आपको और क्या परेशानियां आपको फेस करनी पड़ती हैं, ज़रा वो भी बताइए हमें। सर, वीडियोस बनाने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लाइट का सर। तो हम अच्छा, लोग अभी जिस एरिया में हैं वहाँ लाइट का समस्या ज़्यादा रहता है, और इसके कारण वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए लाइट का इंतज़ार करना पड़ता है, और तब जाकर हमने इन्वर्टर वगैरह लिया है वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन अभी कुछ महीनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वीडियो अभी कंटिन्यू जा नहीं पा रही है। और वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है सर यूट्यूब पे। चलिए, अच्छी बात है। तो हमें कोशिश यही करनी है कि आपका जो चैनल है जिस पे आप वर्क कर रहे हैं उस पे रेगुलर वर्क कर सकें, आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए और आप उस पे रेगुलर वर्क कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों, राजेश जी के यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उनके चैनल पे एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। और चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि ये जो हमारा सेशन है इंटरव्यू विद न्यू क्रिएटर, ये मैंने शुरू इसलिए ही किया है ताकि जो भी नए लोग यूट्यूब पे आ रहे हैं उन्हें सपोर्ट मिल सके और वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, ठीक है। और अगर आप भी इस सेशन में शामिल होना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और मुझे मैसेज करें, उसके बाद मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा। तो राजेश जी, मुझे ये बताइए कि जो भी आप वीडियोज़ बनाते हैं, ठीक है, तो कभी ऐसा होता है कि मतलब कि प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा हो गई तो मन करता है कि चलो छोड़ दे, हटाओ, यूट्यूब को क्विट कर देते हैं, ऐसा कुछ होता है कभी आपके साथ? जी सर, ऐसा भी हुआ है। वीडियो अपलोड करने के बाद जब अच्छा व्यूज़ नहीं मिलता है तो कभी कभी लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने स्कूल पे भी फोकस करूँ, वीडियो बनाना छोड़ दूँ, इस तरह से कभी कभी लगता है मुझे भी। लेकिन फिर भी हार नहीं मानता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं, जब मेरा टीचिंग का ही काम है तो चलो इसको भी कंटिन्यू करता हूँ। बिल्कुल सर, भले ही धीरे 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 ग्रो होगा चैनल, और काफ़ी कोशिश करता हूँ सर। बिल्कुल, आपके बिल्कुल। चैनल से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है सर। अच्छा। मेरे यूट्यूब पे जितना भी वीडियो है उसमें जो सब्सक्राइब और बेल बटन का जो आइकन आता है सर, वो आपके चैनल से ही मैंने सीखा है। तो जो आप वीडियोज बनाते हैं, तो आप वीडियोज खुद अकेले ही सारी चीजें करते हैं कि कोई आपको मतलब साथ में हेल्प भी करता है? नहीं सर, मैं अकेले ही करता हूँ, वीडियो शूट करना। अच्छा। और वीडियो को एडिट करना सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है सर।
चलिए अच्छी बात है, सारी चीज़ें अकेले करना भी बहुत बड़ी बात है, तो ऐसा कोई एक्सक्यूजेज यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे एक्सक्यूजेज देते हैं कि हम नहीं कर पाते, हमारे पास लोग नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वन एंड ओनली सिंगल पर्सन भी हो तो सब कुछ खुद से एडजस्ट कर सकते हो, इतना बड़ा काम नहीं है, बस तरीका पता होना चाहिए, उसके बाद सारी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हो। तो राजेश जी मुझे ये बताइए कि कभी जब वीडियोज बनाते हैं आप तो खुद मतलब ऐसा होता है कि मतलब मन नहीं करता, छोड़ने का भी मन करता है, तो फिर खुद से कैसे खुद को रेडी करते हैं कि नहीं चलो इस पे वर्क करते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब ये बिलीव आपको कैसे आता है, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होते रहता है। जी सर, कभी कभी मन मेरा भी ऊब जाता है वीडियो बनाते बनाते, लेकिन फिर मैं मोटिवेशनल वीडियोस देख करके अपने आप को फिर से मोटिवेट करता हूँ, फिर से री एनर्जाइज होता हूँ, ताकि फिर से मैं वीडियो को कंटिन्यू कर सकूँ सर। और आप जैसे यूट्यूबर से और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी जो भी चीज़ें करते हैं वो इसलिए ही करते हैं कि मैं भी कोई बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ, और मुझे बस यही रहता है कि मेरी वजह से अगर आप जैसे लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, मुझे खुशी मिलती है कि चलो थोड़ी बहुत तो हेल्प मिली आपको, इतना अगर मैं कर सकता हूँ तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जी सर। तो राजेश जी हमें ये बताइए कि आपकी जो वीडियोज है वो आप स्मार्टफोन से ही बनाते हैं, और एडिटिंग कैसे करते हैं वो सब कुछ थोड़ा सा बताइए। सर वीडियोज तो मैं स्मार्टफोन से ही बनाता हूँ, अभी मैं सैमसंग का A50s यूज़ किया हूँ और पिछले 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ सर। और वीडियो एडिटिंग के लिए मैं काइन मास्टर और पावर डायरेक्टर, ये 2 ऐप जो है मैं यूज़ करता हूँ, और मैंने दोनों ऐप को परचेस किया हुआ है, और मोस्टली ज़्यादा पावर डायरेक्टर ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कलर ग्रेडिंग अच्छा होता है पावर डायरेक्टर में, काइन मास्टर के कंपैरिजन में। तो राजेश जी जरा ये बताइए कि जो एडिटिंग है वो एडिटिंग आपने कैसे सीखी, मतलब कि लोगों को लगता है कि एडिटिंग बहुत हार्ड है, तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि एडिटिंग करना बहुत बड़ा काम है, बहुत मुश्किल है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर एडिटिंग तो वाकई में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है वीडियो क्रिएटर के लिए, और एडिटिंग का जो भी काम है सर मैंने यूट्यूब से ही सीखा है, मेरे फेवरेट यूट्यूबर में से धर्मेंद्र सर हैं, माय स्मार्ट सपोर्ट, और फिर आप जैसे यूट्यूबर भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं सर। और वीडियोस को मैंने देख देख कर सीखा है, काइन मास्टर से कैसे एडिट करना है, पावर डायरेक्टर से कैसे एडिट करना है, YouTube से ही मैंने देख देख कर सीखा है सर। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग भी अगर एडिटिंग सीखना चाहते हो तो किसी भी तरीके के पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है वहाँ पे टाइम देने की। YouTube पे आप जाओगे अगर वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज आपको फ्री में मिलेंगे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे, मेरे चैनल पे भी या फिर किसी भी अदर चैनल पे भी आप जा करके सीख सकते हो, बस आपके अंदर ये होना चाहिए कि हाँ मुझे सीखना है। एडिटिंग कोई हार्ड चीज़ नहीं है, अगर सीख लोगे तो बहुत अच्छी लगेगी, और उसके थ्रू एडिटिंग के थ्रू हम अपनी वीडियो की क्वालिटी को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो राजेश जी जरा ये भी बताइए हमें कि जो आप वीडियोज बनाते हैं, जो यूट्यूब पे आप काम करते हैं, तो आपके फैमिली का कैसा रहता है आपके लिए सपोर्ट? फैमिली का तो सपोर्ट बहुत बढ़िया रहता है सर, मेरे घर में मैं जहाँ रहता हूँ अभी होम टाउन में, तो वाइफ हमारी सपोर्ट करती है, मेरे बच्चे भी सपोर्ट करते हैं वीडियो बनाने में। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है किसी भी चीज़ को वर्क करने के लिए, अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो और आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके साथ हो तो फिर बहुत ही आसानी हो जाती है हमारे लिए। तो राजेश जी चलिए अब इस वीडियो सेशन में हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपका चैनल जिस तरीके का है उस पे आप अच्छे तरीके से वर्क करें और आपका चैनल भी धीरे धीरे आगे ग्रो हो, ठीक है? तो वीडियो के एंड में आप हमारे जो ऑडियंस हैं, जो वीडियोज आपकी देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? जो भी वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियोज बनाते रहिए, कभी हार नहीं मानना है, व्यूज़ कम आ रहे हैं या सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं तो उससे कभी घबराना नहीं है, अपने आप को मोटिवेट करते रहिए और YouTube के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते रहिए, एक न एक दिन चैनल ग्रो कर जाएगा, वीडियोस वायरल होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बस मेहनत करते रहने की ज़रूरत है और सही तरीके से मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो राजेश जी अब हमें ये बताइए कि हमारे इस इंटरव्यू सेशन में शामिल होकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, मैं आपका वीडियोस अक्सर देखता रहता था और बहुत सारा चीज़ आपके चैनल से भी, आपके वीडियोस से भी सीखा है सर,
इसीलिए मैं हमेशा आपके वीडियोस पे कमेंट भी करता रहता था और आपको हमेशा आपके कमेंट्स आते हैं हमेशा इंस्टाग्राम पे भी हमेशा आपको फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे भी सर। तो फ्रेंड्स ये इंटरव्यू सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ राजेश जी के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरीके किसी और इंटरव्यू वाले सेशन वीडियो में।